हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ देवी बिस्टा सिक्किम से और आपको मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है फ्रेंड्स। और मेरे पीछे देख रहे हैं, बहुत मैसी है। और 2 महीने के बाद कल एक वीडियो डाला था, वो बहुत पहले ही शूट करके रखा हुआ था और 2 महीने से मैंने कुछ भी एक भी वीडियो नहीं बनाया। तो आज हम मार्केट में, मतलब यहाँ हम लोग ना मार्केट में रह रहे हैं अभी। वहाँ पे पहले जहाँ पे रहते थे वहाँ पे कुछ प्रॉब्लम हो गई है, आपको अभी जाके दिखाती हूँ वो वहाँ क्या हो गया। तो हम लोग मार्केट में रहते हैं अभी और गोमा भी आई हुई है, देखिए हाय गर्लो मेरा तो गोमा भी आई हुई है और हम लोग अभी जा रहे हैं वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे सब्जियाँ लगाई हुई थी तो सोचा कि जाके झाड़ वगैरह बहुत आया होता है ना, तो उसको निकालने के लिए जा रहे हैं हम लोग। तो सोचा कि आप लोगों को भी साथ लेके चलूं और अभी चलते हैं। तबीयत तो मेरी सही है बिल्कुल भी, क्योंकि आप लोग, बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि आपकी तबीयत तो सही है कि नहीं, तो मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ। तो फ्रेंड्स चलिए, अभी थोड़ी देर बाद में मिलती हूँ आपसे। आपने के डॉग की अगला हिंदी रहा है। गोधाली नॉन घरा छुट्टे इधरे। और हम लोग अभी जा रहे हैं पैदल, क्योंकि गाड़ी आजकल इतना मिलता नहीं है। और यहाँ पे गोवा और आगे और मेरा ना आँख में पता नहीं क्या हुआ है, लाल लाल सा हो गया है। तो मैंने कल परसों डॉक्टर को दिखाया था तो ड्रॉप दिया है और खाने वाली दवाइयाँ दी रही है, तो थोड़ा सा सही हो रखा है। और अभी हम लोग पहुंच गए घर और देखिए बहुत सारा झाड़ झाड़ हो गया है, क्योंकि घर पर कोई नहीं रहता है ना, तो बहुत ज़्यादा झाड़ आ जाता है देखिए। और आज हम यहाँ पे थोड़ा सा सफाई करेंगे। और यहाँ पे देखिए टमाटर बहुत ज़्यादा था पहले, लेकिन बारिश के मौसम स्टार्ट होने पर, बहुत ज़्यादा बारिश होने के कारण से ये पूरा झड़ गया नीचे। और अब यहाँ पे काम करना है। हाँ, और यहाँ पर हाँ वहाँ ये देखिए स्क्वैश। और यहाँ पे आज हम काम करने वाले हैं सब्जियाँ लगाने के लिए। खुई यहाँ को कांकरा तो कल ले लो गए सही ना, यहाँ सही यहाँ थे ते इतने इतने ओ। और यहाँ स्टोर में और यहाँ पे देखिए एक हमारा वो लगा है बनानास, इस दिवाली को मतलब दशहरा में ये शायद पक जाएगा। और यहाँ पे मैं झाड़ निकाल रही थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा बारिश की वजह से बहुत ज़्यादा ही झाड़ हो गया था, तो इसको मैं निकाल रही थी, साफ कर रही थी। और गोमा ऊपर बैठ के मेरा वीडियो कर रही थी और नीचे सोया है फ्लॉपी, ये यहीं पे रहता है और खाना खाने के लिए विशाल के यहाँ जाता है और फिर यहाँ। और यहाँ पे देखिए क्यूकम्बर, ये साइज का क्यूकम्बर खाने में बहुत अच्छा लगता है, तो हम इसको भी तोड़ेंगे बाद में। और वहाँ पर भी एक है ये वाला, इसको भी तोड़ेंगे और ज़्यादा तो नहीं तोड़ेंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा भी क्या करेंगे। उफ, ज़्यादा बारिश होने के कारण से ये देखिए सब खराब हो गया।
और अभी छत में जा रहे हम लोग। यहाँ लोग भाग हुए था, यहाँ पर भी सब्जी थोड़ा थोड़ा सा है। ओ यहाँ टिप्पणी नहीं आते हो, टिप्पणी ना मैं वीडियो में लगा रहा। यहाँ पे चेरी टमाटो भी है थोड़ा थोड़ा सा, क्योंकि ज़्यादा बारिश की वजह से ये भी पूरा ख़राब हो गया। अब तो छत में सब्जियाँ ज़्यादा नहीं है, अब ये सब साफ़ करेंगे बाद में, उसके बाद नीचे ही लगाएंगे सब्जी, छत में नहीं लगाएंगे। यहाँ पे है गोल मिर्च, इतना ज़्यादा गोल मिर्च मिला था हमें पहले, लेकिन अभी ये अब फल देना छोड़ रहा है शायद, फिर भी अभी है थोड़ा थोड़ा सा, इसको भी तोड़ के ले जाएंगे। ये देखिए, और यहाँ पे है मैरीगोल्ड, मैरीगोल्ड भी लगाए थे। उसके बाद यहाँ पे है एक साग, डालडा साग है। और ये रहा बैंगन, एक छोटा सा ले लिया मैंने। उसके बाद और भी है यहाँ पे, एक है यहाँ, ये रहा, और यहाँ पर भी है। तो ये हमें बैंगन भी मिला थोड़ा, और क्या क्या है देखेंगे। हाँ बरबोटी है, बरबोटी, ये देखिए लंबा वाला स्नैक बीन्स, बरबोटी बोलते हो ना आप लोग, हमारे यहाँ पे तुने बोरी बोलते हैं यहाँ पे। इसको भी तोड़ेंगे, माथि त काँक्रा कम्तीमा लगाउनु छ त लहराई। स्नेक बिन्स तोडेंगे, और भी है सायद, कहाँ है, भिंडी अभी फूल फूल फूलने का टाइम होगा इसका। ये देखिए और यहाँ पे तो देखिए भिंडी, बहुत सारा भिंडी हो गया हमारा, लेकिन हम इसको तोड़ेंगे नहीं, इसको अगले साल के लिए बीज बचा के रखना था, तो बीज रख लिया है हमने। जब इस अच्छे से पक जाएगा उसके बाद सूखना ज़रूरी है, जब सूख जाएगा तो इसको भी हम लोग तोड़ के उधर रूम में ले जाएंगे, और अगले साल के लिए बीज घर में ही बच जाएगा। और बहुत अच्छा सा व्यू भी आता है हमारे टेरेस गार्डन से, ये देखिए। और अभी हम लोग पहुंच गए घर, ज्यादा वीडियो शूट नहीं किया मैंने, क्योंकि काम भी बहुत था, तो मैंने ट्राईपॉड नहीं लिया था, ले नहीं गई थी मैं, हाँ गोरिल्ला पॉट ले गई थी, तो वो बहुत छोटा है, तो वहाँ पे झाड़ जंगल बहुत है ना, तो रखने का जगह नहीं मिल रहा था, तो मैंने शूट नहीं किया, इतना थोड़ा थोड़ा सा किया। लेकिन अभी हम लोग पहुँच गए घर भी, और यहाँ पे सब्जियाँ थोड़ा सा मिला, वही यहाँ पे रखने की तैयारी हो रही है, और अभी चाय वाय पियेंगे। और ये देखिए, हाँ हमें गोल मिर्च मिला, टमाटर मिला, भिंडी, बरबोटी, और इसकुस को मुंटा, और क्यूकम्बर बहुत ज़्यादा मिला, इतना तो मार्केट में जाते वक्त भी नहीं मिलता है। और ये तो पुराना है पहले का, और यहाँ पे गोमा आप सब यहाँ पे रखेंगी, और ये यहाँ पे बैग में डाल के ले आए थे, तो ये यहाँ पे नंगलो में रख लाए, नंगलो आप लोग यहाँ पे क्या बोलते हैं इसको, हमारे लैंग्वेज में तो नांगलो बोलते हैं, नांगलो। फ्रीज में भी ज्यादा कुछ नहीं है हमारे पास, खाली हो गया था। उयो भरा, हमें थोड़ा भूख लग गया था, तो मैं यहाँ पे सबके लिए बन निकाल रही हूँ, और चाय बना लिया गोमा ने, उसके बाद ये बन खाएंगे और चाय पियेंगे, क्योंकि वहाँ पे मुझे नींद आ रही है, क्योंकि वहाँ पे दिन में कुछ नहीं खाया था हमने, बस पानी पी लिया था,
उसके बाद डायरेक्ट यहीं आके कुछ खा रहे हैं, तो खा के थोड़ा सा रेस्ट करेंगे। याना तो दे बुढ़ो की स्टाइल देखा ना मतलब नहीं जो आप कोई तो दे कपड़े के ताको गोमा यहाँ पे मक्का भूट रहे। मक्का ये भुट्टा ले आए थे, तो इसको हमारे पास आग नहीं है ना, इसलिए हम लोगों ने इसको ना कढ़ाई में इसको फ्राई करके खाने की सोच रहे थे, तो गोमा अभी वही कर रही है। और यहाँ पे जो गोमा ने मक्का को फ्राई किया था उसको हमने एक प्लेट में निकाल लिया है, और यहाँ पे मैंने एक गोल मिर्च जो नमक में पहले रखा हुआ था डब्बे में एक बोतल में, उसको निकाल के मैंने यहाँ पे एक मिक्स कर रही हूँ ताकि बहुत अच्छा सा खाया जाए। अभी हम शाम के मतलब डिनर की तैयारी के लिए यहाँ पे हमने लिया था अरबी के डंडे। कभी मैंने खाया नहीं है तो कैसे बनाते हैं मुझे नहीं पता, तो ये यहाँ पे इसको छील रहे हैं। पतल पतल होगा ना मिर्चा। अच्छा, नहीं देखो आ रही है ये सब निकालना है ये पोखना तो इस तरीके से इसको छीलना है। तो इसकी रेसिपी आज आप लोगों के साथ अगर टाइम मिला तो शेयर करूंगी, नहीं तो फिर नहीं कर पाऊंगी क्योंकि ये ड्यूटी ना, तो इनकी ड्यूटी नाइट ड्यूटी है, तो ये 9 बजे तक खाना खाने के लिए घर पहुंचते हैं, तो जल्दी जल्दी में खाना बनाना पड़ता है। अगर टाइम मिला तो आप लोगों के साथ अब इसको मेरे हस्बैंड छोटे छोटे टुकड़े कर रहे हैं क्योंकि ये थोड़ा बड़ा लग रहा था, तो बड़ा लग रहा नहीं दिखाई दे रहा है आपको बहुत बड़ा बड़ा है, तो इसको छोटे छोटे पीस में ये कट कर रहे थे, और इसके ऊपर से नमक डाल के पता नहीं क्या करेंगे। मैंने कभी बनाया भी नहीं है और खाया भी नहीं है, तो आज ट्राई करूँगी। तो यहाँ पे सब कट करके रेडी हो चुका है, तो उसके ऊपर से नमक छिड़क रहे हैं और ताकि इसमें लहसुन क्या से है जो बोलो एक्सिस वाटर है तो ये तुम नमक के मेरा साथ अच्छे से लहसुन बाहर आ जाए, और लहसुन जो मतलब ये थोड़ा सा देखा है कड़वा मुझे आप पता नहीं देखे कैसा हैं टेस्ट ये होगा, तो ये और क्या बाहर तुम निकल आए, लहसुन इसलिए यहाँ खाओ पे ये लहसुन बिल्कुल नमक छिड़क रहे हैं। कि ना बोन गा रहे हो ड्राई किए उधर से बनाओ गोयलो से और मारे ना सीबी बोतल अम्मू खा रहे सुनो हो। और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे, उसके बाद यहाँ से जितना भी पानी बाहर निकल रहा था तो उसको अच्छे से निचोड़ के एकदम सूखा करना है, और जो पानी आ जाता है निकल जाता है तो इसको सब फेंक कर जो यहाँ पे जो अरबी के डंडे पड़े हैं उसको सब्जी बना के खाएंगे। कोई कहाँ को
और मैं अभी बाहर बैठी हूँ बालकनी में, और गोमांदा टीवी देख रहे हैं और ये चले गए ड्यूटी। इनकी नाइट की शिफ्ट है, नाइट की शिफ्ट मतलब ड्यूटी है या नाइट की, वो पुलिस में आ गए ना, पहले तो आईआरबी में थे, अभी पुलिस में आ गए, तो इनकी अभी नाइट ड्यूटी है, इसलिए अभी चले गए 6 बजे से, सुबह ही आएंगे फिर, लेकिन रात को खाने में आएंगे 9 बजे के आसपास, खाना खाएंगे उसके बाद वहीं पे जाते हैं और वहीं से सुबह 9 बजे, हाँ 9 बजे के आसपास फिर वापस घर आते हैं ड्यूटी से। तो अभी मैं भी बैठी हूँ ऐसे, अब थोड़ी देर में खाना, अभी तो मतलब 6 बज गया बजने वाला है अभी, तो अब थोड़ी देर में खाना बनाना शुरू करने वाले हूँ। और उसकी सब्जी बनानी है आज, रेसिपी तो मतलब बता के गए हैं लेकिन मैंने कभी खाया भी नहीं था और बनाया भी नहीं था, तो इनसे ना थोड़ा सा मतलब पूछ लिया कि कैसे बनाते हैं, तो वो बोल रहे थे ऐसे ऐसे करने को, तो अब बना के देखते हो पाता है कि नहीं मुझसे। और यहाँ पर कपड़े वपड़े टांग रखे क्योंकि बारिश के मौसम है तो बाहर नहीं सुखा पाएंगे, वैसे भी हम अब रेंटेड हाउस में तो खुला मतलब कपड़े टांगने के लिए कुछ होता नहीं है, तो यहाँ पे थोड़ा सा छोटा सा बालकनी है वहीं पर हम कपड़े वपड़े टांग देते हैं। बहुत क्या क्या हुआ है मैं आपको नहीं दिखाऊंगी। तो मैं भी आ गई किचन में, आप जल्दी जल्दी से खाना बनाएंगे क्योंकि ये बोल रहे हैं कि 8 बजे खाना खाने के लिए आएंगे, अभी जल्दी जल्दी स्टार्ट करते हैं बनाना, तो चले फिर खाना बनाते हैं। और हमने करेला भी काट के रखा है, इसको हम ऐसे सूखा फ्राई करेंगे। और यहाँ पे बनाऊंगी मैं जो सब्जी दिन में लाई थी, वो अरबी के डंडे, वो बनाएंगे, तो जल्दी जल्दी बनाना पड़ेगा, 1 घंटे में खाना बन जाना चाहिए। अब तेल गरम हो चुका है शायद, तो हाँ हो गया, प्याज डालेंगे जैसा जैसा बताया गया था वैसे वैसे करेंगे। अब इसको करेंगे हम गोल्डन ब्राउन, और यहाँ पे गोमा कर रही है करेला फ्राई। और अब इसमें डालूंगी मैं ये टमाटर, छोटे छोटे टमाटर लिए थे हमने, 2 लिए थे छोटे छोटे थे, तो 2 टमाटर लिया, इसको मिक्स करेंगे और उसके ऊपर से डालेंगे हल्दी वगैरह। इसमें मैंने हल्दी चिली फ्लेक्स डाला, और अब यहाँ पे डाल रही हूँ नमक, नमक थोड़ा सा डालूँगी, फिर बाद में डालूँगी पक्के, क्योंकि वो जो अरबी के डंडे थे उसमें पहले ही नमक डाल के अच्छे से उसको निचोड़ लिया था, तो वहाँ पर भी थोड़ा सा नमक होगा शायद, इसलिए अब डालूंगी ये यहाँ पे जीरा अदरक और लहसुन को ऐसे ही सिलबट्टे में पीस के रखा हुआ था, तो इसको डाल रही हूँ मैं, और अब इसको अच्छे से भूनूंगी 5 मिनट तक इसको भूनूंगी उसके बाद, और अब इसको मैं अच्छे से मिला लूँगी। एक हाथ में मैंने पकड़ा है फोन, तो इसको मैं रख के अच्छे से मिलाऊंगी। मिलाने के बाद ऐसा दिख रहा है, लाइट की वजह से शायद कलर अच्छा नहीं दिख रहा होगा, लेकिन बहुत मज़ेदार दिख रहा है, तो इसको अब मैं पकाऊंगी 10 से 15 मिनट। और अब सब्जी भी पक गया, इससे मतलब बहुत अच्छी खुशबू तो आ रही है, लेकिन पता नहीं कैसा बना है, बाद में ही पता चलेगा, तो अब गैस को कर देंगे ऑफ।
और इसको रख दूंगी मैं ढक के। यहाँ पे चावल चढ़ा दिया है गोमा ने, और हम लोगों का खाना वाना मतलब पक के रेडी हो चुका है। 8 बजने वाला है, तो 8 बजे जब वो आएंगे तो खाना वाना खाएंगे और टीवी देखेंगे थोड़ी देर, उसके बाद सो जाएंगे। तो अभी आपको थोड़ी देर बाद मिलती हूँ। तो फ्रेंड्स, हम लोगों ने खाना खा लिया, बैटरी एकदम से डाउन हो गया था तो मैं वीडियो नहीं कर पाई, लेकिन जो सब्जी बनाई थी मुझे तो इतना पसंद नहीं आया, पता नहीं क्यों, लेकिन हस्बैंड बोल रहे थे उनको बहुत ही यमी लगा, बहुत ही मज़ेदार बना था वो बोल रहे थे, और बहुत ज़्यादा भी खा लिया उन्होंने, और गोमा का भी अच्छा लगा, मुझे तो थोड़ा सा अच्छा लगा, लेकिन फिर भी अच्छा ही बना था। तो फ्रेंड्स, ये वाला ब्लॉग मैं यहीं पर एंड करना चाहूँगी, और मुझे लेना है दवाइयाँ, खाना है, और आँख में भी दवाई डालनी है, उसके बाद थोड़ी देर टीवी देखूंगी, उसके बाद सो जाऊंगी। तो गुड नाइट फ्रेंड्स, और मिलेंगे दूसरे ब्लॉग।